एक ओर शहर के 3 थाना क्षेत्रों में सोमवार की सुबह 5 बजे प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा तो वहीं दूसरी ओर 3 नए थाना क्षेत्रों कैंट, गोरखनाथ व शाहपुर में प्रतिबंध लगाने की पूरी तैयारी की जा रही है। हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ने के कारण यहां भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस दौरान जिला प्रशासन की देखरेख में स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों की पूल टेस्टिंग करेगा, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके और संक्रमित अन्य लोगों में संक्रमण न फैला सके। इस लॉकडाउन में रोजमर्रा की जरूरत की दवाइयां, ग्रॉसरी, सब्जियां आदि जरूरी सामानों की आपूर्ति घरों तक की जाएगी। वहीं लोगों को घरों से बाहर निकलने की पूरे तरीके से मनाही होगी। बेहद जरूरी कार्य के दौरान ही लोग पूरे समुचित सुरक्षा उपकरणों के साथ ही घरों से निकलने पाएंगे। इस बात की जानकारी SDM सदर गौरव सिंह सुगरवाल ने टेलीफोन वार्ता में कही। अभी पिछले विगत दिनों से हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें थाना कैंट, थाना गोरखनाथ, थाना रामपंडी, शाहपुर में बहुत सारे हॉटस्पॉट बन चुके हैं। हमने पिछले वीक में थाना कोतवाली, थाना राजघाट, थाना तिवारीपुर में लॉकडाउन लगाया था और वहाँ पे हमने पूल टेस्टिंग कराई थी। कई सारे जो पॉजिटिव के संपर्क में लोग आए थे उसको कंटेनमेंट करके उन सबके साथ सैंपलिंग करा के और उनको अलग किया था। तो इसी संदर्भ में, क्योंकि जब जहाँ हॉटस्पॉट बहुत बन जाते हैं, एक साथ क्लस्टर में बन जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में पूरे थाने को भी हम कंटेनमेंट घोषित करते हैं और संपूर्ण लॉकडाउन लगाते हैं। केवल आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए वो अलाउ होता है। तो इसी संदर्भ में मैंने DM सर को रिपोर्ट की है और हो सकता है DM सर अभी रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार से यहाँ पे थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। बाकी सर को रिपोर्ट हमने कर दिया है कि कितने कितने हॉटस्पॉट इन विगत 4-5 दिनों से इन 3 थाना क्षेत्रों में बने हैं। देखिए, जो आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे कि आपकी मेडिकल की है, दूध है, सब्जी है, इसके लिए तो डोर टू डोर रहेगा, अलाउ रहेगा। उसके अलावा जो परचून का सामान है, और इसके लिए डोर स्टेप डिलीवरी अलाउ है। लोग होम डिलीवरी कर सकते हैं, होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। सभी आवश्यक जो वस्तुएं और जो परचून की दुकान है उनकी लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है और हमारा जो तहसील सदर गोरखपुर का फेसबुक पेज है, सभी लिस्ट हम मुहैया करा देंगे। तो फोन के माध्यम से अपना मंगा सकते हैं और जो सब्जी और दूध की जो सबसे ज्यादा रहती है उसको हम अलाउ करेंगे और मेडिकल को अलाउ करेंगे थाना क्षेत्रों में। बाकी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सारे सरकारी कार्य सब इसमें बंद रहेंगे। तो ये लॉकडाउन होता है ताकि संक्रमण के खतरे को हम कम कर पाए और जितने भी पॉजिटिव व्यक्ति इनके संपर्क में आए लोग हैं सबका टेस्ट करा पाए। तो इनपे हम जब इसको लॉकडाउन करेंगे तो मास लेवल पर टेस्टिंग कराएंगे ताकि हम हर उसको पकड़ पाए कि कौन कोई संक्रमण है, तो उसको हम पकड़ के उसको कंटेन कर पाए। सुबह सुबह 3 दिन का रहेगा और फिर 2 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन है, तो कंप्लीट वही संडे तक रहेगा। जैसे थाना कोतवाली सर्कल में हुआ है, उसी सर से इससे हमने संस्तुति की है, DM सर को रिपोर्ट दी है। अब सर को निर्णय लेना है, DM सर से कैसे कराएंगे।